बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से साहब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी दुआ के साथ करती हूँ आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले साहब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि सुबह सुबह का टाइम है, तो आज जो काम करना है, मैं माँ के पापा घर आए हैं आए हुए है ना, जो रोटियां ज्यादा खाते हैं तो आटा खत्म हो गया है तो इसलिए दाने साफ करने सुबह सुबह कल करने थे लेकिन टाइम नहीं मिला, तो आज दाने साफ करती हूँ क्योंकि मामा के पापा घर आए हुए हैं तो आटा पिसवा के हम दे जाएंगे। इसलिए रोटियां ज्यादा खाने की वजह नहीं है वो, तो मैं उनके साथ मजाक कर रही हूँ। तो क्योंकि फिर बाद में टेंशन बनती है इसलिए घर आए हुए हैं, कुछ आटा थोड़ा सा पड़ा भी है अभी, तो दाने साफ करती हूँ, वो आटा पसवा के हमें दे जाएंगे जाते जाने से पहले। तो इसलिए सुबह सुबह मैंने कहा फिर लैट चले जाती है तो पहले सुबह सुबह आटा साफ दाने साफ करके रख लूँ। तो ये मैंने कमरे में फ्रोले के पास खड़ी हूँ, तो अभी जो सीन बनता अगला शेयर करती हूँ बहन भाइयों के साथ। ये जी गाड़ी में बैठे हैं तो अभी बच्चों ने चिप्स भी खा लिए हैं, तो जो जो चीज खा रहे हैं साथ साथ तो जड़ियां जलेबियां खा दिया ना, वो भी कोई नहीं बनाई थे चिप्सा भी कल चिप्स भी खा ले, फिर भी साडे भूख साडी नहीं उतरी। पापा जी कहना भूख उतर गई, जलेबियां भी लेके देती हैं वो भी नहीं, उन्होंने कहा भी साडी पापड़ा ना भूख उतर नहीं, मेरा दे सी कोई फ्रूट ले लेंदे हैं बीपी तेज होना, उन्होंने कहा नहीं साडी पापड़ा ना भूख उतरती है। जी अभी छलियां भी लेके दी है मम्मी पापा ने, तो साथ साथ पापड़ भी खा रहे हैं। फिर मजे के पापड़ बेटा लेज हैं, क्या चीज है स्लंटी है लेज हैं और आज फिर रहन दे अपन काई भी ले गया। चलो ये वॉशर मशीन भी हम गाड़ी में रख के ना लेके गए थे, तो अभी तो ये वाली ठीक करवानी थी, कल इतने ज़्यादा पैसे भी लगाए इस पर, पता नहीं आज ये मैजिक वगैरह का पता नहीं कहाँ कहाँ लगाई हुई, पानी नीचे जाता था इसमें शार्ट भी आ रही थी तो चलती भी नहीं थी इतनी, तो कल शहर लेके गए थे गाड़ी में रख के, तो अभी ये ठीक करवा ली है, अभी चलाएंगे तो पता चलेगा अभी ठीक हुई है या नहीं। अभी तक हमने घर आके नहीं चला के देखी, तो ये पहले पंखा वगैरह मैंने निकाल के रख लिया है, इधर से जगह साफ़ कर लिए, तो अभी दाने निकाल के साफ़ करती हूँ। ये दावड़ा मैंने अपने पास रख लिया है, ये इधर शूज वगैरह सेट करती हूँ बच्चों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाना भी लगते थोड़े से ही रह गए इसलिए ये इधर से निकल चुका, इस तरह भी हाथ की मदद से ही अंदर से निकालने पड़ेंगे, वैसे नहीं निकलेंगे। रहमानिर्रहीम के दाने एक दाबा मैंने निकाल लिया, तो पहले साफ़ करती हूँ तो उसके बाद दूसरे निकालूंगी, क्योंकि हाथ से ही निकालने हैं, वैसे दाने बिल्कुल खोलने में काम ही रह गए। चलो जी जब तक चलेंगे चलेंगे, शुक्र है खुदा का। तो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं अपने पापा से, तो मैं दाने साफ कर लेती हूँ उसके बाद। मामा को क्या हो गया है? चलो नहीं मैं अच्छी बच्ची है जी, तुसी तुसी भी अपना घर दे पाए ना, तंग करो ना तंग करो मेरी बेटी नु छोटी है, मैं कदू गुस्सा तेरे नाल करना कबीर सैन आप क्यों नहीं रो रहे, आप भी सबक सुना रहे हैं, आप भी रो। मैं नहीं रोता। बालू जी जरा से मुंह तो मेरी तरफ करो ना, अब है सबक आता है हाँ जी। कबीर से भी सुन लो ना, मामा को ना तंग करो बार बार, उससे ही सारा सुन लिया है। चलो मैं भी सुनती हूँ ना, मैं भी फिर मैंने भी लिटरेशन करनी है ना, कितनी छुट्टियां इस तरह गुजर गई हैं। चलो जल्दी सुन लो फिर।
ये हो गए साहब, बस कोई हो गए कोई नहीं है, सर्दी ही नहीं ज्यादा आज है। मैं जिस तरह बाहर को कोरा पे आंदा है, कोरा तो रोज ही पड़ रहा है, पर हूं दो तीन दिन हो गए, हूं बहुत ही पैन लग गया पूरी। ज्यादा सर्दी शुरू हो गई है, सर्दी दी वजह तो है दीवारों के नाल भी है कि मैं चिट्टा निकले है पे सेम जी चढ़ गई ना सर्दी दी वजह तो। चलो फिर पा लो दाने शाने ते। साहब जी की करता है साहब जी, हैं चीजा खाता है साहब जी, बिस्कुट लिया देने ते भाइयों की लिया है ते छोटे भाई ने, तो कुछ भी नहीं लिया की लेके आया, की लेके आया दस ते मम्मा थोड़ी की करती है ते पूरी किचन च चंगा खलारा पी है, कल दी चीजा लिया ना ते ओ सारियां ये तू संभालियां कोई नहीं, ओए मैं उत्ते सार पासे खिल रही हैं पियां, चल फिर मेरे नाल ले गए कल घर मैं खलोना नहीं, तो फिर गल की करना नहीं, आज जेड़ा ना आज किसे पासे भी नहीं जाना ते आज जेड़ा ना तू अपनी चीजां क्लोज करो ते जिथे जिथे कोई चीजां रखण वालियां ने वो रखो, ठीक है ना। वो भी समान सारा पे, वो भी आज बन जांदी है ते वो भी समान क्लोज हो जाएगा। बच्चों की ट्यूशन का टाइम हो गया तो जल्दी जल्दी रोटी बन सब बना दे नाल, एक एक चुल्हे के उत्ते साग रख ला, हूँ तड़का लग जाएगा ते दाने साफ किए तो उठे भी तो लेट है ना, अज 8 बजे तो उठते पे सी मैं सुनया चाह मंगती पई सी मम्मा को, शोर ना करो बेटा, शोर ना करो, साग बन रहा है। नानी तेरे देना ही कोई वापस, कोई नहीं देना, नानी और ले लेगी की कहना नानी ने नानी को अपने जी को निपाड़ा।
अच्छा नानी ने कहना भुखे हो गए ने ता नानी घरों चीजा लिया के आंदे ने बोल ते वापस कर देंगे फिर उन्होंने नहीं यार नानी थोड़ी तो इतने ही है साग पाया चलो बना लो साग वगैरह नानी का मैंने बुखार